वरकातुहू। मेरा नाम समरीन सुल्ताना है, मैं रोशन कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे शौहर का नाम मुकर्रम है और उनको सब जने खलीफा नाम से जानते हैं। मेरे साथ उन्होंने, मैं 3 साल हो गए उनसे शादी कर गए। उन्होंने मेरे को एक बार भी सही से नहीं रखे, मार तोड़ हमेशा, ब्लैकमेल करना, धमकाना करना। मेरी अम्मा को परसों आके घर पे मार के चले गए। आखिर पूरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, उनको लाता मार दी। मैं उससे छुटकारा चाहना चाह रही हूँ, मेरे पे छोड़ रहे नहीं। मैं किधर भी घर खाली कर रही हूँ, आके तमाशे कर रहे हैं, ऐसे मामों की दुकान पे जाके तमाशे कर रहे हैं हमारे। नशा बहुत करते हो, ड्रिंक भी बहुत करते हो। नशा मतलब कौन सा नशा करते? सिगरेट का वो एक ही रहता, वो गंजे का नशा करते हो। अच्छा, बहुत टॉर्चर कर रहे हो उन्होंने, बहुत मारते हैं। खाने को पहले कुछ नहीं दिया, बच्चा हुए बाद भी मेरे को दवाखाने से हकाल दिए थे। जब भी मैं 5 बार मैं पुलिस स्टेशन को गई थी यहाँ पर शास्तीपुरम के साइड पे, एक बार भी कम्प्लेन उन्होंने, आप कम्प्लेन दिए मलादापल्ली, क्या बोले पुलिस वाले? रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे रहे ना, उनको बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे, उनका मेंटल सर्टिफिकेट है। परसों में जाके कंप्लेन लिखा है तो उन्होंने बोल रहे कहते फोन करके, मेरे को ब्लैकमेल, आप फोन आ करे तो मैं आप लोगों का नाम पीएस का डाल देगा, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। बोल के ऐसा बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे। 2 दिन वक्त अभी तक केस डाल दी, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। उनका मेंटल सर्टिफिकेट कहाँ से आया? पता नहीं, पुलिस वाले बोल रहे मेरे को खुद कुछ उनके मेंटल सर्टिफिकेट। आप बोलना था पुलिस वालों को, अगर जब उनके पास मेंटल सर्टिफिकेट है तो उनकी जगह एरागड्डा है बोलना था। आपकी शादी हो गई कितने साल हुआ? 3 साल हो गया। तो उन्होंने जब से मेंटली छे नहीं, हर इतनी बात बात पे मारते रहते थे, लेकिन पता नहीं अब कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को एक ही बेटा है। क्या एज है? 2 साल के तो, आप... तो आपकी शादी हुई जब से आपको टॉर्चर करते हो? शादी हुए बाद 6 महीने के बाद से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना स्टार्ट करे, ना घर वालों से मिलना, ना घर वालों से बात करना। किससे ही बात करो तो तेरी बहन के घर पे जाके तमाशे करता हूँ, तेरी नानी के घर पे जाके तमाशे करता हूँ। बोल के सर टॉर्चर ना करते थे, बात करेंगे, और घर में भी बंद करके डालते थे, किसी का निकलना नहीं। रहते कहाँ पे? यहीं पर रोशन कॉलोनी में रहते। एड्रेस उनका एग्जैक्ट? महमूदा होटल के सामने का। अच्छा, तो अभी जो आपके घर के ऊपर हमला हुआ है, कितने लोग आके हमला करे? उन एक ही जने थे। नशे की हालत में थे? नहीं, होशो आवास में थे। अच्छा, तो अभी क्या हुआ आपके वालदा के साथ? वालदा के साथ बच्चे थे घर में, पूरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, बच्चों को ढकल दिए, लात मार दिए, घूंसे मार दिए हमारे अम्मी को, तबीयत बहुत खराब हो गई। कपड़े अम्मी के आपके फाड़े या रखे हुए थे? मम्मी के फाड़े हमारे कपड़े। मैं नहीं थी, जरा मैं बाहर गई थी काम से, हमारे अम्मी के आप पर आके तमाशे करे। तो नहीं, मैं अभी आप लोग पीएस में जाके कंप्लेन दिए थे, जब इस कंप्लेन करे जाके हम लोग, हमें आज तक उन्हें भाग गए। मैं आके जब इस कंप्लेन करे तो उन लोग रिपोर्ट तो लिखा लिया, टेस्ट वेस्टा करा, उन लोग लिखा। तो आप कौन से हॉस्पिटल को गए थे? उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। तो आपके पास एमएलसी है? जी हाँ है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स है पुलिस वालों का? कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स, कुछ नहीं। उन लोग बुला के बात करते, केस करिए आप, खाली बोले अभी तक बस यही बोल रहे हैं, केस करिए केस करिए बस। अभी तक 5 वक्त केस कर देंगे, उन पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे पुलिस वाले। हसीना मैडम से भी मैं बात करी, उन्होंने भी रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिए। अली सर से भी बात करी, उन्होंने भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिए मेरे। तो आप मीडिया में आके बोलने का क्या मकसद है अभी मीडिया वालों को बुला? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को उनसे खुला चाहिए, डिवोर्स चाहिए, मेरे को उनके साथ नहीं रहना, और मेरे को सुकून की जिंदगी होना। ये घर जान घर खाली कर रहे, वहाँ पर आके तमाशा कर रहे, मेरे को सुकून की जिंदगी चाहिए। ये आदमी से मेरे को अलग होना है बस। तो आप नहीं बोले उनको खुला चाहिए? बोल मैं बोली नहीं, छोड़ते बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी पीएस में बताइए बात। जी हाँ बतलाई मैं। क्या बोल रहे बोलो? अगर उन्होंने नहीं छोड़ना चाह रहे तो नहीं होता, हम आगन से बोल रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बोल रहा। तो जब आपके अम्मी को मारे, फिर आप जब उस्मानिया को जाके एमएलसी कराए, तो वो एमएलसी देख के पुलिस वाले क्या बोले? उनको बुला के बात करेंगे बोले, उन्हें फोन कर उठाए तो फोन स्विच ऑफ कर लिए, केस कर दो हमला बुला के बात करते हुए बोले। तो आप लोग केस करें? केस कर दिए हम लोग। फिर अभी आपके अम्मी को कुछ ब्लड निकल रहा मुंह में से बोल के बोल रहे, उन्हें मारने के बाद तबीयत कुछ ज्यादा खराब है बोल के बोल रहे। जी हाँ, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है वालदा का आपके? जी हाँ चल रहा है, उन्हें पहले ही हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनको हार्ट बहुत तबीयत खराब रहती है ऑलरेडी पहले से। उन्होंने है ना घर, उनके घर में भी किसी गली में भी पूछ सकते हैं, गांजा पी के जिससे बोले उससे तमाशे कर लेते, जिससे बोले उससे लड़ लेते, दुकानों पे भी जाके तमाशे करते हैं, खर्जा वर्जा ले लेते, पैसे ले लेते, मस्जिदों में भी जाके चोरियां करे से है। ये इससे पहले कोई मस्जिद का बोले थे आप? उमर शाह मस्जिद का है ना ये? जी हाँ, 2020 में। जी हाँ। तो आपको अभी खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते? जी कुछ नहीं देते। काम क्या करते हो? काम पहले घर का बेचने का काम करते थे, अब क्या है कि मतलब घर दिलाना करना, बीच में ब्रोकरी करते थे। पहले भी केसेस है कुछ? 2020 में भी उन्होंने जेल को जाके आए सो है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कुछ नहीं बोल के मेरे से शादी करे थे, और घर में निकाह हुआ था मेरे साथ असद साहब, और मेरे को कुछ भी करके मेरे को इससे इंसाफ होना है।
ठीक है अम्मा, ठीक है, ओके, शुक्रिया।